बीसीएन न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी, खबर हमारी। ब्रज के विकास में आ रही चुनौतियों को लेकर एक चैपाल गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें ब्रज क्षेत्र के संत, समाज सेवी, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, वकील, किसान व युवा आदि सम्मिलित थे। इस संगोष्ठी का आयोजन ब्रज रक्षक दल के तत्वाधान में शीतल छाया स्थित भजन कुटीर वृंदावन में किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ करते हुए द ब्रज फाउंडेशन के अध्यक्ष विनीत नारायण ने कहा कि ब्रज का समेकित विकास ब्रज के गांवों के विकास से ही होगा, जहां बालकृष्ण ने लीलाएं की, यही कार्य ब्रज फाउंडेशन 17 वर्षों से कर रहा है। इसके लिए ही ब्रज फाउंडेशन ने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का संविधान बनाकर तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पारित करवाया था, परंतु वर्तमान सरकार द्वारा उस बिल में बदलाव करके उसे जनविरोधी बना दिया और आज ये मीटिंग रखी गई। किस प्रस्ताव पर? किस ब्रज रक्षक दल के द्वारा हमें निमंत्रण दिया गया और कई पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, ब्रज के सेवक यहाँ मौजूद हैं, जिन लोगों ने अलग अलग कैपेसिटीज में काम किया है। जो लोग चिंतित हैं कि ब्रज का जो विकास का जो स्वरूप होना चाहिए वो नहीं हो पाया, क्या रणनीति रहेगी आगे की और यहाँ का जो इतिहास है उसकी अवहेलना की जा रही है, क्या रणनीति रहेगी आगे की? आज चर्चा हुई है कि किस तरह का विकास हम लोग चाहते हैं, और जो बीजेपी द्वारा थोपा जा रहा है विकास, इन्होंने तीर्थ स्थल को घोषित किया है, अच्छी बात है, लेकिन जो यहाँ लोग रहते हैं, जैसे गोवर्धन परिक्रमा में लोग रहते हैं, आज उनको तंग किया जा रहा है। हम लोगों की एक तरह से यहाँ मांग उठाई गई है, अब शासन को उसको गंभीरता से लेना चाहिए। अच्छा, आपकी पार्टी से मथुरा से कौन खड़ा करना चाहते हैं? बड़ा सवाल तो यही है, हम कह रहे थे हम अकेले नहीं हैं, गठजोड़ में हैं और मिल के बैठ के